गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ग 16 में शुरू करेंगे ऑक्सीजन। तीन टॉपिक रहेंगे आज, ऑक्सीजन, ऑक्साइड और ओजोन। ऑक्सीजन भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में 46.6% होती है। इसके अलावा मुक्त अवस्था में वायुमंडल में 20.9% होती है। पृथ्वी को अणुसूत्र O2 खोजकर्ता सिले, परमाणु भार 16, परमाणु क्रमांक 8, आवर्त दूसरा, वर्ग 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है। ठोस पदार्थों के प्रकार है, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना क्या होता है, वो पदार्थ अनुचुंबकीय होता है। तो आ जाता है कारण, बताइए, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाती है। कारण आपको +1 में बताया है, MOT अणुकक्षीय सिद्धांत, उसमें आप लोग देखा होगा ऑक्सीजन के प्रतिबंधी अणुकक्षक P2P और 2PY में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिन तत्वों के परमाणुओं में या अणुओं में जितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, वो उतना ही अनुचुंबकीय होता है। तो ऑक्सीजन अणु में प्रतिबंधी 2px और 2py कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऑक्सीजन क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का प्ररूप वो क्या है, ओजोन। इसका अपरूप क्या होता है, ओजोन। और तीन इसके समस्थानिक हैं, 8O16, 8O17, 8O18। तो ऑक्सीजन के पूछ लेते हैं, जैसे N के दो समस्थानिक हैं, N14, N15। ऑक्सीजन के तीन समस्थानिक हैं, 16, 17 और 18। अब है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाना। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके बनाया जाता है, KClO3 को जब गर्म करते हैं तो O2 गैस बनती है। यह क्रिया 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। यदि इसमें उत्प्रेरक MnO2 मिला दिया जाए तो यह क्रिया केवल 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो जाती है। तो जब पोटेशियम क्लोरेट और MnO2 मिश्रण को गर्म करते हैं तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीजन गैस बनती है। यहाँ MnO2 एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में अम्लीय जल से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जब अम्लीय जल में, अम्लीय जल क्यों लेते हैं कि जल उदासीन होता है, इसलिए इसे विद्युत का चालक बनाने के लिए
अम्ल मिलाया जाता है। तो जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्रकटित हो जाता है। आयताकार पात्र में जल भर लेते हैं, एनोड और कैथोड लगाकर उनमें दो पक्ष रख देते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो जल का अपघटन होता है, H2O चेंज H+OH, यानी जल विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में अपघटित हो जाता है। पहले एनोड प्रक्रिया, OH या क्या करते हैं H2O+O में, पहले तो OH क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये फिर OH H2O और O में परिवर्तित हो जाते हैं, O+O क्या बना देती है, O2। ये O2 गैस जो होती है वो एनोड पर एकत्रित होती है, उसके बाद कैथोड पर। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आता है एनोड से कैथोड, तो वहाँ H आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर H परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं, H परमाणु से क्या बनती है, H2 गैस। और जो आयतन के अनुसार अनुपात है 2:1, यानी आयतन के अनुसार 2 आयतन क्या होती है, हाइड्रोजन, और 1 आयतन क्या होती है, ऑक्सीजन। बाकी उपयोग, ये प्राणवायु है, ऑक्सीकारक के रूप में पदार्थों के जलाने में ऑक्सीजन सहायक है, और रॉकेट में द्रव ईंधन के रूप में भी। और आजकल जैसे कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत आ गई थी, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो गई थी, तो ये कृत्रिम श्वसन क्रिया का स्रोत है। इसके अभाव में बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई, इसलिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इसका उत्पादन जो होता है अधिक मात्रा में किया जाने लगा है। तो ये विशेषकर रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए क्या नाम दिया गया है, प्राणवायु। तो ये थी कुछ सामान्य बातें ऑक्सीजन के बारे में। सेकंड पॉइंट आता है ऑक्साइड, सेकंड क्या आता है, ऑक्साइड। ऑक्सीजन यानी वे द्विअंगी यौगिक, वे द्विअंगी यौगिक केवल तत्व और ऑक्सीजन की क्रिया से बनते हैं, ऑक्साइड कहलाते हैं। हाइड्राइड वे द्विअंगी यौगिक जो केवल तत्व और हाइड्रोजन की क्रिया से बनते हैं। हैलाइड वे द्विअंगी यौगिक जो केवल तत्व और हैलोजन से बनते हैं, नाइट्राइड नाइट्रोजन से, कार्बाइड कार्बन से, सल्फाइड सल्फर से, और फास्फाइड फास्फोर से। यानी नाम से पता चल जाता है कि मतलब इसका क्या है। तो यहाँ ऑक्साइडों का वर्गीकरण है, वे द्विअंगी यौगिक जो तत्व और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनते हैं ऑक्साइड कहलाते हैं। और ऑक्साइड मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड,
उभयधर्मी ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। इनके उदाहरण अमोनियम आ जाएगा CO2, NO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5 आदि। क्षारीय में Na2O, K2O, CaO, MgO आदि। उभयधर्मी में Al2O3, B2O3, ZnO, S2S3, As2O3। उदासीन में H2O, NO, CO और N2O। तो ये मैंने चारों प्रकार के ऑक्साइडों के उदाहरण लिख दिए हैं। परीक्षा में आ जाता है अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण, क्षारीय ऑक्साइड का उदाहरण, या इनकी दो विशेषताएं, परिभाषा। तो पहला लेते हैं अम्लीय ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया कर अम्ल बनाते हैं और क्षार से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। ये ऑक्साइड अधातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनते हैं। देखिए CO2 प्लस H2O H2CO3 SO3 H2O H2SO4। दूसरा, क्षार से क्रिया कर लवण और जल CO2 प्लस 2NaOH Na2CO3 H2O। इसी प्रकार SO3 2KOH K2SO4 प्लस H2O। दो दो उस समीकरण में भी आ जाएगी। तो क्या बताया, अम्लीय ऑक्साइड जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं और क्षार से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। जैसे दूसरा क्षारीय, ऐसे ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर क्षार बनाते हैं और अम्ल के साथ क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। जैसे Na2O, K2O, CaO, MgO, Li2O आदि। अब देख, जैसे Na2O प्लस 2HCl चेंज 2NaCl प्लस H2O। इसी प्रकार CaO प्लस H2SO4 चेंज COSO4 प्लस H2O। और जल के साथ Na2O प्लस H2O चेंज 2NaOH क्षार बना देते हैं। जैसे CaO प्लस 2H2O चेंज CaOH का और ट्वाइस। ये किसकी आएगी, क्षारीय ऑक्साइड।
अब आता है उभयधर्मी। उभय माने दोनों, और दोनों से मतलब रसायन विज्ञान में पदार्थों की प्रकृति या तो अम्लीय होती है या क्षारीय। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे Al2O3ZnO, जैसे Al2O3 प्लस 2NaOH चेंज NaAlO2 प्लस H2O। इसी प्रकार ZnO प्लस 2NaOH Na2ZnO2 प्लस H2O। अम्लों से क्रिया करा दीजिए Al2O3 HCl लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ये जल लवण और जल। और चौथा है उदासीन, जैसा कि नाम से विदित है प्रकृति उदासीन, मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया नहीं करते हैं। एक इसमें आता है, ये तो थे सारे सामान्य ऑक्साइड। एक होता है मिश्रित ऑक्साइड, मिश्रित मिश्रित ऑक्साइड मतलब जो दो सामान्य ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं वो क्या होता है, मिश्रित ऑक्साइड। अभी तक हमने आपको चार ऑक्साइड बताए हैं, इन्हें बोलते हैं सामान्य ऑक्साइड। एक होता है मिश्रित ऑक्साइड जो दो सामान्य ऑक्साइडों की अभिक्रिया से बनते हैं, जैसे Fe3O4 PB3O4। अब Fe3O4 क्या बनता है, FeO.Fe2O3। इसी प्रकार PbO.Pb2O3। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो मिश्रित ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड। आज का तीसरा बिंदु आता है ओजोन। क्या आता है ओजोन, ओजोन यानी कि अणुसूत्र क्या होता है O3। अणुभार और अप्ररूप किसका है, ऑक्सीजन का है। इसकी अनुनादी संरचना ये इसकी 4, 2, 6, 2, 8 है, इसे दो ये प्लस आ जाएगा। तो बोर्ड में आ जाता है कई बारी कि ओजोन की अनुनादी संरचना ही दीजिए, तो ये इसकी अनुनाद संरचना है।
उपस्थिति वायुमंडल के समताप मंडल के ऊपर होता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के अंदर पाई जाती है, हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। कैसे करती है? सूर्य से अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की तरफ आती है और ये ओजोन मंडल में जब ओजोन गैस के कांटेक्ट में आती है तो ओजोन गैस इन्हें क्या कर लेती है, अधिशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, हमारे तक यानी पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर ये किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाए तो ये पौधों को, जंतुओं को, मनुष्यों को बहुत हानि पहुंचाती है। ओजोन मंडल में लगातार ये ऑक्सीजन से ही बनती रहती है, जिसके इसका वो बैलेंस है वो बना रहता है। लेकिन आजकल एसी फ्रियो में फ्रियोन गैस का उपयोग होता है, हवाई जहाजों में द्रव ईंधन के रूप में नाइट्रिक अम्बल का उपयोग होता है, जिससे NO2 गैस बनती है। ये NO2 गैस और फ्रियोन दोनों ही ओजोन के लिए हानिकारक होती है। पढ़ा होगा कि आजकल ओजोन छिद्र बन रहा है, क्यों छिद्र बन रहा है, कि ये जो फ्रियोन है ये होती है जैसे CCl2F2, ये फ्रियोन है, या CCl3F या C2Cl4F2, ये सारे फ्रियोन हैं और ये वायुमंडल में जाकर क्या हो जाते हैं, ये मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाते हैं और जो ओजोन से क्रिया करते हैं, यानी जो फ्रियोन गैस है CCl2F2, यानी कि O3 से क्या क्रिया करके ये ओजोन मुक्त मूलक में परिवर्तित कर देती है और ये Cl मुक्त मूलक बना देती है। तो ये जो ओजोन का अपघटन है वो फ्रियोन कर देती है। इस कारण फ्रियोन की जो मात्रा है वायुमंडल में, जो फ्रियोन है उसकी जो मात्रा है उसमें लगातार कमी आ जाती है। इसी प्रकार NO गैस है तो ये NO है, NO2, ये इसके लिए हानिकारक होते हैं। तो आ जाता है ये आपको कि ओजोन गैस को हानि पहुंचाने वाले कौन से रसायन हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्रियोन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बनाने की विधि, प्रयोगशाला में से ओजोनाइजर उपकरण के द्वारा बनाया जाता है और ऑक्सीजन से ही बनाया जाता है। जब ऑक्सीजन में नीरव विसर्जन, विद्युत विसर्जन किया जाता है तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। समीकरण क्या होता है इसका, 2O2 या 2O3, 3O2 से क्या बनेगा, 2O3। छोटी सी समीकरण है और उपकरण का नाम क्या होता है, ओजोनित्र होता है। ओजोन में मुख्य दो तीन बातें हैं, एक बात आ जाती है, एक तो इसका अपक्षय कैसे होता है, एक ही हमारी रक्षा कैसे करती है। एक ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ओजोन एक व्यंजक के रूप में है, ये कुछ बातें हैं।
सिद्ध कीजिए ओजोन एक प्रबलोक्षी कारक है। अब जानते हैं ओक्ष कारक क्या होते हैं, ऐसे परमाणु आयन जो रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ओक्ष कारक कहलाते हैं। ओजोन आसानी से अपघटित होकर नवजात ओ देती है और वो तुरंत इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। अतः ओजोन एक प्रबल ओक्सीकारक है। O3 ये O2 प्लस हो, ये नवजात ओ की क्या होती है, प्रबल ओक्सीकारक है। दो समीकरण PbS काला सल्फाइड लेड सल्फाइड होता है, इसको सफ़ेद लेड सल्फेट में परिवर्तित कर देती है। इसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में ओजोन गैस को प्रवाहित करते हैं तो ये आयोडीन को मुक्त कर देती है। तो सिद्ध कीजिए ओजोन एक प्रबल ऑक्सी कारक है, इसमें ये दो अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरी क्रिया ये ओजोन के आंकलन में काम आती है। जब बफर विलयन की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड में ओजोन गैस को प्रवाहित करते हैं तो जो आयोडीन मुक्त होती है उसको हाइपो विलयन के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। उसके द्वारा हम ओजोन का मात्रात्मक आंकलन भी कर लेते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग ओजोन गैस के मात्रात्मक आंकलन में भी किया जाता है। थर्ड पॉइंट है ओजोन एक विरंजक के रूप में, किसके रूप में, विरंजक, विरंजक के रूप में। विरंजक मतलब रंग को उड़ाने में, हाथी दांत तेल है ना, के एमिनोफोर, ऐसे रंगीन पदार्थों को रंगहीन करने में भी ओजोन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं विरंजक गुण। विरंजक गुण कैसे करती है, ओजोन नवजात ऑक्सीजन देती है, वो नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है। समीकरण में ये होती है ओ प्लस कलर्ड कंपाउंड चेंज कलरलेस, कलरलेस रंगीन हो जाता है। अतः ओजोन एक प्रबल व्यंजक के रूप में कार्य करती है। तो उपयोग में हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, कीटाणुनाशक भी है और प्रबल व्यंजक के रूप में भी काम आती है। आज का एपिसोड यहाँ तक, थैंक यू।